भारतीय जनता पार्टी मंडल बेखलिया सरकार द्वारा भाजपा कार्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश दुबे, जिला महामंत्री पोपेंद्र सिंह बग्गा, पूर्व विधायक गणपत पटेल, मंडल अध्यक्ष सुनील पटेल ने दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचे। आज उसी कदम पर भारतीय जनता पार्टी चलते हुए हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर विकास का कार्य कर रही है। सतवा से जीतू सिंघी की रिपोर्ट। उन सिद्धांतों को लेकर आज जो नेतृत्व कर रहे हैं केंद्र में और प्रदेश में, उन सिद्धांतों को लेकर विश्व में कहीं ना कहीं हमारी पहचान बनी और वो पहचान बनाने में हुई है तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिनका जन्म 25 सितंबर 1916 में मथुरा के पास छोटे से गांव उत्तर प्रदेश में हुआ और धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते संघर्ष के समय विपरीत परिस्थितियों में हम सब लोगों ने यदि विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति कैसे जीता है, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कैसे करता है और विपरीत परिस्थितियों में सफलता की ओर कैसे आगे बढ़ता है यह सीखना है तो पंडित आज की नई पीढ़ी से मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि आप जरूर पढ़े समय निकालकर। मोबाइल पे भले 2 बन जाते एक साइड खेलते पर पंडित दीनदयाल जी को बचपन में 2.5 की उम्र में उनके माँ बाप का दोनों का देहांत हो गया, उनकी बहन या गैव ननिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।